हाय, मैं हूँ अमृता। आज मैं आपके लिए एक साईफाई मूवी द आइलैंड लेके आई हूँ। मूवी की शुरुआत होती है लिंकन और जॉर्डन एक कपल से। दोनों भी एक बोट पर वेकेशन मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कोई नकाब कोश आकर लिंकन को पानी में खींच लेते हैं। इसी दौरान उसे कुछ बैकग्राउंड में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है कि वो एक खास इंसान है, उसका एक पर्पज है, और उसे कुछ फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक नाइटमेयर यानी बुरा सपना था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो किसी हाईली एडवांस एआई इक्विप्ड अर्थ कॉन नाम के लैब में रहता है, जो उसके सारे चीजों को मॉनिटर करती है। यहाँ पे उसके एआई को ये भी समझ आता है कि ये पूरी रात भर ठीक से सो नहीं पाया था, इसीलिए उसका एआई डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करता है। लिंकन को ये सारी चीजें पसंद नहीं होती कि ये एआई इसकी सारी चीजें मॉनिटर कर रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लैब में लड़कियां भी है, लेकिन लड़के लड़कियों को एक साथ बात करना भी अलाउड नहीं होता। लेकिन इन्हीं में से लिंकन की एक दोस्त भी होती है जिसका नाम था जॉर्डन, और ये वही सपनों वाली लड़की थी। ये दोनों भी चुपके से बात किया करते थे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि लैब के अथॉरिटीज के अनुसार जो बाहर की दुनिया है उसमें वायरस फैल गया है और वो रहने लायक नहीं है, इसीलिए इन लोगों को इस लोकेशन पे लाया गया है जो कि एक आइलैंड है। ऑफ कोर्स इस आइलैंड पे कोई भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे लैब से बाहर जाने के लिए हर हफ्ते एक लॉटरी सिस्टम होता था, और जिसका भी नाम आएगा वो इंसान लैब से बाहर चला जाता था। अब इस लॉटरी में जॉर्ज नाम के इंसान का नाम आता है, यानी कि वो अब लैब से बाहर जा सकता था। अब आगे हम लैब के ही लिंकन जैसे लोगों में से कुछ लोगों को देखते हैं जो काम कर रहे थे। ये लोग किसी तरह की लैब टेस्ट कर रहे थे या फिर हाईली एडवांस सिस्टम को मॉनिटर कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक न्यूट्रिएंट केबल थी जिसमें ये लोग विटामिन्स और अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे थे उस केबल में। वहीं हम एक नई चीज को समझते हैं कि रोज किसी ना किसी को जबरदस्ती लैब में भर्ती किया जाता है। इसी दरमियान हम एक प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम लीमा वन अल्फा होता है, उसे प्रेगनेंसी के कारण लैब से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। अब इसी दरमियान हम लैब के हेड डॉक्टर मेरिक को देखते हैं, जो कि लिंकन का मेडिकल चेकअप करने के लिए आए होते हैं। डॉक्टर मेरिक जॉर्डन से उसका सपना पूछते हैं, जिसके बाद वो सपने वाली बोर्ड उसे ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। लिंकन उस बोर्ड को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करता है, जिसे देखकर डॉक्टर काफी हैरान हो जाते हैं। इसीलिए उसके नर्व्स के रीडिंग को मॉनिटर करने के लिए उसे लैब में ही रहने के लिए कहते हैं, और उसके शरीर में माइक्रो सेंसर इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके दिमाग को ये लोग स्टडी कर सके। अब लिंकन जानबूझकर अपना सिस्टम फेल कराता है ताकि वो यहाँ से भागकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सके। अब वहाँ जाने पर उसकी दोस्ती टेक स्पेशलिस्ट जेम्स से होती है। जब लिंकन जेम्स से बात कर रहा होता है तो हमें एज एन ऑडियंस पता चलता है कि लैब के लोगों को बाहर की दुनिया के काफी सारी चीजों के बारे में बताया नहीं गया है, और लिंकन ये सारी बातों में काफी इंटरेस्ट लेने लगता है कि बाहर की दुनिया आखिरकार कैसे थी। लेकिन जब जेम्स कहीं और बिजी हो जाता है तब लिंकन एक मक्खी को देखता है, और उसे देख के वो सोच में पड़ जाता है कि अगर बाहर की दुनिया सांस लेने लायक नहीं है तो ये इंसेक्ट्स कैसे जिंदा है। अब जेम्स आने से पहले वो इस मक्खी को जेम के एक बॉक्स में कैद करता है और वहां से चला जाता है। अब एक दिन जेम्स कंप्यूटर फिक्स करने के लिए एक दूसरे रूम में जाता है, तभी वो देखता है कि कुछ डॉक्टर्स प्लास्टिक पॉड को ब्रेक करके एक ग्रोन अप इंसान को निकालते हैं, और वो पॉड उसी न्यूट्रिन केबल से जुड़ा हुआ दिखाई देता है जिस पर कुछ लोग काम कर रहे थे, यानी कि उन न्यूट्रिन केबल के मदद से इन इंसानों को फीड किया जा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं लैब के डॉक्टर उस इंसान को एग्जामिन करते हैं और उसे फाइन प्रोडक्ट का टैग लगाकर लैब के लिए रेडी करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं लॉटरी का ऐलान होता है जिसमें जॉर्डन का नाम आ जाता है, यानी कि अब जॉर्डन को इस आइलैंड से बाहर लेके जाने वाले थे। ये सोच के लिंकन काफी परेशान होने लगता है, इसीलिए रात में ही वो रिस्ट्रिक्शन एरिया में चला जाता है वापस। अब उसकी सीनियर की दी हुई की अभी भी होती है और वो लोकेशन एक्सेस करता है और अपने साथ लाए हुए उस फ्लाई को वो रिलीज करता है, और उसे फॉलो करते हुए वो मेडिकल एरिया में चला आता है। वहाँ पे वो मेडिकल स्टाफ जैसे ही कपड़े पहनता है और एक रूम में वो देखता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी थी लीमा वन अल्फा, वो एक बेबी को जन्म देती है, लेकिन अगले ही पल में लीमा को मार दिया जाता है और उसका जो बेबी रहता है वो उसी की तरह दिखने वाले एक दूसरे औरत को दिया जाता है, जिसे देख कर लिंकन के होश उड़ जाते हैं। अब वो आगे रिसेप्शन एरिया में बढ़ता है जहाँ पे लिंकन जॉर्ज को देखता है। दरअसल जॉर्ज वही था जो लॉटरी के दौरान यहाँ से बाहर गया था, वो एक काफी फेमस फुटबॉल प्लेयर था। इसके तुरंत बाद डॉक्टर जॉर्ज के ऊपर कोई सर्जरी परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज को पहले ही होश आ जाता है और अपने चेस्ट
पर कट देख कर वो काफी घबरा जाता है और यहाँ वहाँ वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेते और उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करके उसका लीवर निकाला जाता है। अब ये देखकर लिंकन को समझ आता है कि जरूर जॉर्डन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि वो भी लॉटरी जीत गई थी। इसीलिए लैब पहुँच कर वो उसे सारी चीजें बता देता है और यहाँ से वे लोग भागने का प्लान करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इन्हें देख लेती है और इनके पीछे पड़ जाती है। उनसे बचने के लिए ये लोग वैन से एस्केप करने की कोशिश करते हैं और दोनों भी एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे देखते काफी सारे बॉडीज को एक ऑडियो उनके दिमाग में फोर्सफुली फीड किया जा रहा था। इस ऑडियो में ये कहा जा रहा था कि यू हैव बीन चूजन, यू हैव अ वेरी स्पेशल पर्पस इन लाइफ, यू वांट टू गो टू आइलैंड। और यही मैसेज लिंकन को भी बार बार सपने में आ रहा था। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि लिंकन को जो सपना आ रहा था वो इन्हीं सब प्रोसीजर के कारण था। अथॉरिटी इन्हें बार बार कुछ ऑडियो और सीरीज दिखाकर इनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। आगे जाकर ये लोग एक ब्रिज पे जा पहुंचते हैं जो आइलैंड से कनेक्टेड दिखाई देता है। अभी लोग कुछ डिस्टेंस क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि आइलैंड कहीं पे गायब हो गया है और उसकी दूसरी तरफ वो कुछ टावर्स को देखते हैं, जहाँ पे लिंकन एक रूम ऑब्जर्व करता है जिसकी साइड में आइलैंड का स्क्रीन चल रहा होता है। यानी उसे समझ आता है कि दरअसल ये पूरा आइलैंड एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था। इन रियलिटी में आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। लैब से निकलने पर ये लोग रियल दुनिया में आते हैं, जहाँ पे ये आसानी से सांस ले रहे थे। अब यहाँ पे लैब में ये दोनों भी अचानक से गायब हो जाते हैं, इसीलिए सारे लोगों को बताया जाता है कि जॉर्डन और लिंकन को वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इसीलिए उनको क्वारंटीन रखा गया है। अब जो लैब के हेड होते हैं डॉक्टर मैरिक, वो एल्बर्ट नाम के एक असैसिन को हायर करते हैं जो जॉर्डन और लिंकन को मारने के लिए। दरअसल अर्थ कौन ये जो लैब होती है, ये अपने क्लाइंट के लिए ऑर्गन मैन्युफैक्चरिंग का काम किया करती थी। यहाँ पर काफी सारे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और काफी फेमस सेलिब्रिटीज इनके क्लाइंट थे। यहाँ पे ऐसे ही लोग आते थे जिनके बॉडी पार्ट्स फेल हो गए हैं या फिर उन्हें खुद प्रेगनेंसी के थ्रू नहीं जाना होता, तो डॉक्टर मैरी उनके डीएनए के मदद से उनके क्लोन तैयार करते थे और इन क्लोन के शरीर से वो ऑर्गन क्लाइंट के लिए निकाला जाता था या फिर इनके क्लोन को प्रेग्नेंट भी बनाया जाता था और अंत में काम होने के बाद क्लोन को मार दिया जाता था। दरअसल शुरुआत में जब इन्होंने वेजिटेटिव मेथड के थ्रू डायरेक्टली क्लोन को डेवलप करने की कोशिश की थी, मेडिकल टर्म में वेजिटेटिव स्टेट यानी स्टेट में इंसान जिंदा नहीं होता, उसमें कोई भी इमोशंस, अवेयरनेस कुछ भी नहीं होता, यानी कि एक जिंदा मुर्दा की तरह वो रहता है, कुछ भी फील नहीं कर सकता। और स्टार्टिंग में इनके क्लोन्स वेजिटेटिव स्टेट में ही होते थे, लेकिन इनके थ्रू डेवलप किए गए जो भी ऑर्गन्स थे वो विदाउट इमोशंस थे, जिसके कारण ऑर्गन्स फेल होने लगे थे। इसीलिए इन्होंने एक प्रोसीजर बदल दी थी, जब इनके क्लाइंट का क्लोन पूरा ग्रो हो जाता था और जगाने से पहले उन्हें वही रिकॉर्डेड मैसेज सुनाया जाता था, ताकि बाहर की दुनिया में वायरस फैला है ये बात उनके दिमाग में बस जाए। लेकिन हर एक इंसान के लाइफ का कुछ पर्पस होना चाहिए, इसीलिए इन क्लोन्स को भी पर्पस देने के लिए उनके दिमाग में इस आइलैंड में आने की कहानी फीड की जाती थी, ताकि बाहर के वायरस से बचने के लिए ये इन क्लोन्स को लगे कि वो आइलैंड पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, क्लोन्स के दिमाग में उनके चाइल्डहुड की फेक मेमोरीज भी डाली जाती थी, ताकि उनमें इमोशंस पैदा हो और इन क्लोन्स के बीच में कोई रिलेशन ना आए, इसीलिए दो अलग अलग जेंडर्स को अलग रखा जाता था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है जॉर्डन असल दुनिया में एक सेलिब्रिटी सारा जॉर्डन है, जो कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी, जिसे मल्टीपल ऑर्गन्स की जरूरत थी। वही लिंकन एक बोट डिजाइनर टॉम लिंकन था, जिसका 2 साल पहले लंग्स फेल हो गया था। और यहाँ पे डॉक्टर मैरिक असल दुनिया में काफी बड़े ऑर्गन सप्लायर थे, लेकिन वो ऑर्गन कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। यानी कि ये क्लोन बनाते हैं इसके बारे में उनके क्लाइंट को भी पता नहीं था, क्योंकि रियल दुनिया में क्लोनिंग बैन था और लॉटरी सिस्टम भी ऑफकोर्स फेक था, क्योंकि लॉटरी वही जीतते थे जिनका ऑर्गन निकालने का समय आता था। अब यहाँ पे हम उन दोनों को देखते हैं रियल दुनिया में। लिंकन का ध्यान एक रोड साइन पर पड़ता है और उसे याद आता है कि जेम्स के यहाँ से उसने एक मैच बॉक्स लिया था, उसमें भी यही रूट की जानकारी थी। अब ये लोग उस रूट को फॉलो करते हैं और जेम्स के घर जा पहुँचते हैं। जेम्स इन्हें देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भी क्लोन्स थे और लैब से भाग गए थे, और जेम्स उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों भी काफी रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद जेम्स इन्हें लैब के सारे सीक्रेट बता देता है कि वो एक क्लोन है और ऑर्गन डेवलप करने के लिए उन्हें बनाया गया था। इन्हें पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में ये लोग जेम्स को कहते हैं कि उन्हें उनके रियल फॉर्म यानी उनके रियल इंसानों से मिलना है, ताकि वो उन्हें समझा सके कि ऑर्गन लेने के चक्कर में डॉक्टर
और उनके क्लोन्स बना रहा है कि बार बार कहने पर वो मान जाता है और इन्हें सबसे पहले यहाँ के सारे तौर तरीके समझाता है और उन्हें कुछ पैसे देकर गाइड करता है कि उन्हें अपने ओनर यानी रियल सेल्फ से कैसे मिलना है। और ये दोनों भी ट्रेन में बैठ जाते हैं। यहाँ पे थोड़े समय के बाद अल्बर्ट को समझ आता है कि ये दोनों भी जेम्स के पास पहुंचे थे, इसलिए अल्बर्ट जाके पहले जेम्स को मार देता है, जिसके बाद उन्हें ट्रैक करते हुए वो स्टेशन पे आ जाता है जहाँ पे वो इन्हें मारने लगता है और इनकी काफी फाइट होती है। लेकिन सही समय पे ट्रेन आ जाती है और वो दोनों भी ट्रेन से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पे सिटी पहुंचने पर हम देखते हैं कि आज का समय काफी एडवांस हो गया है और यहाँ पे जॉर्डन अपने ओनर को यानी रियल सेल्फ को एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखती है जो कि एक सेलिब्रिटी होती है और फोन डायरेक्टरी के मदद से वो अपने घर में कॉल करती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि असली जॉर्डन का एक्सीडेंट हुआ था और वो अब हॉस्पिटल में सीरियस है। अब ये लोग तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे जॉर्डन का एक छोटा सा बेबी भी था। ये सब कुछ देख के जॉर्डन काफी इमोशनल हो जाती है, पर तब तक यहाँ पे अल्बर्ट आ जाता है। इनकी वापस से काफी फाइट होती है जहाँ पे अल्बर्ट पूरे चेस करता है और ये लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से भाग निकलते हैं। और अब ये लोग लिंकन के असली ओनर यानी लिंकन का जो इंसान था जिसका नाम टॉम था उसके घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम देखते हैं टॉम और लिंकन दोनों भी एक समान दिख रहे थे। अब यहाँ पे टॉम अपने क्लोन को देखकर काफी हैरान हो जाता है और लिंकन उसे सारी हकीकत बता देता है कि कैसे लैब में तुम्हें ऑर्गन देने के चक्कर में तुम्हारा पूरा क्लोन बनाया गया है। अब यहाँ पे टॉम उनकी मदद करने का वादा करता है लेकिन वो उसका एक नाटक था। असल में उसका एक लंग फेल हो गया था और उसे बस अपने लंग ऑर्गन की ही पड़ी थी, चाहे वो कैसे भी बनाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए वो डॉक्टर मैरिक को कॉल करके इन्हें रिपोर्ट कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉम असल में एक बोट डिजाइनर था और इसी कारण से लिंकन को बार बार बोट के सपने आया करते थे। यहाँ पे लैब में हम डॉक्टर मैरिक को देखते हैं जो अभी भी रिसर्च कर रहा था कि लिंकन को वो बोट के सपने क्यों आ रहे थे, क्योंकि जब वो क्लोन था तब उन्होंने बोट के बारे में उसे कुछ भी बताया नहीं था। और काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चलता है कि ये मेमोरीज क्लोन लिंकन की नहीं बल्कि उसके ओनर टॉम की है, यानी कि लिंकन और उसके जैसे बाकी जितने भी क्लोन है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए गए हैं वो भी अपने रियल ओनर की फुल मेमोरीज डेवलप कर सकते हैं, भले उन्हें कभी भी फीड नहीं किया गया हो कि रियल लाइफ में वो क्या करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ब्रेन को पता चल जाता है क्योंकि उनका डीएनए यूज किया गया था। तो सेल और मसल मेमोरीज के थ्रू ये सारी मेमोरीज दिमाग में डेवलप हो जाती है। इसलिए डॉक्टर मैरिक काफी घबरा जाते हैं और जितने भी लैब में अभी क्लोन्स मौजूद थे उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया जाता है, वरना ये सारे क्लोन लिंकन की तरह ही असली जिंदगी में बाहर जाकर इनका सीक्रेट रिवील कर सकते हैं। दूसरी जगह पे अल्बर्ट टॉम के यहाँ पर पहुंच जाता है पर लिंकन जैसे तैसे फिर से उसे बेवकूफ बनाकर बाहर निकलता है। अंत में टॉम और लिंकन के बीच में काफी लड़ाई होती है। लिंकन यानी क्लोन रियल टॉम के रिस्ट पर अपना लैब का आईडी लगा देता है। अब ये देखकर अल्बर्ट गलती से रियल लिंकन को यानी टॉम को ही क्लोन समझकर उसे मार देता है, यानी कि अब रियल लिंकन मारा गया था और क्लोन लिंकन जिंदा रह गया था। अब अल्बर्ट टॉम की लाश लैब में लेकर जाता है। यहाँ पे अल्बर्ट को जॉर्डन की तलाश रहती है जिसे खुद लिंकन के क्लोन ने ही छुपा के रखा था। अब लिंकन टॉम की तरह ही रहने लगता है और 2-3 दिन के बाद उसे लैब से डॉक्टर मैरिक का कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं टॉम का डीएनए फिर से स्कैन करना होगा। इसका कारण पूछने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि क्लोन के प्रोसेस में कुछ इशू आ गया था, इसीलिए वापस से सारे क्लोन बनाए जा रहे हैं। यानी लिंकन समझ जाता है कि जितने भी लैब में क्लोन है ये लोग उन्हें मार देंगे, उसमें से काफी लोग उसके दोस्त होते हैं, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए वो जॉर्डन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और दोनों भी लैब में चले आते हैं। अब लिंकन यहाँ पे असली टॉम के बेस में आया होता है, वही जॉर्डन भी लैब में आकर झूठा पकड़वाने का एक्टिंग करती है ताकि दोनों भी अपने अपने प्लान को अंजाम दे सके। लेकिन तब तक ओरिजिनल टॉम की लाश भी लैब में लाई होती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मैरिक को देखते हैं जो टॉम के लाश का एग्जामिन कर रहे थे और उन्हें समझ आता है कि ये दरअसल असली लिंकन ही था जिसे इन लोगों ने मारा था और जो लैब आया है वो क्लोन है। तो यहाँ पे हम लिंकन को देखते हैं जो उस होलोग्राफिक मशीन की तरफ जाता है ताकि वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो वही दूसरी तरफ जॉर्डन बाकी सारे क्लोन्स को बचाने के लिए निकल जाती है। तो वही डॉक्टर मैरिक लिंकन को रोकने के लिए जाते हैं और इन दोनों की काफी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई के अंत में लिंकन डॉक्टर मैरिक को मार
मार देता है। वही मशीन को डिस्ट्रॉय करते करते पूरा चेम्बर ही क्रैश हो जाता है, जिसके कारण ये लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी अपने कैद से रिहा हो जाते हैं और उन्हें फाइनली बाहर की असली दुनिया और असली सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। और सारे क्लोन्स अपनी अपनी नई जिंदगी जीने लगते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम इन दोनों को उसी बोट से कहीं पे निकलता हुआ देखते हैं, यानी ये दोनों भी अपनी एक नई जिंदगी बिता रहे थे। और यहाँ हमें समझ आता है जो सपना लिंकन जॉर्डन के साथ अक्सर देखा करता था वो दरअसल सपना या मेमोरी ना होकर उसकी एक इमेजिनेशन थी जिसे वो सपना समझ रहा था। और यही पे मूवी खत्म होती है। बाय बाय।